दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर के साथ में। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 जो प्रोसेसर है रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अभी तक हमको किसी भी फोन में देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन बहुत ही जल्दी रियलमी 9i एंड रेडमी 11 या रेडमी नोट 11 दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड वहीं पर स्नैपड्रैगन 678 की अगर बात करें तो ये वाला भी जो प्रोसेसर है ज्यादा स्मार्टफोन्स में आपको नहीं मिला है, रेडमी नोट 11 में लॉन्च किया गया था। उसके अलावा शायद ही कोई ऐसा फोन है जो 678 पर आता है। लेकिन आज की वीडियो में करते हैं इन दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखते हैं भाई कि इन दोनों में से कौन सा प्रोसेसर ज्यादा बेटर है। फटाफट से कंपैरिजन को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कंपैरिजन को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं लॉन्च डेट से। स्नैपड्रैगन 680 लॉन्च हुआ है 14 सितंबर 2021 को, स्नैपड्रैगन 678 लॉन्च हुआ था 16 दिसंबर 2020 को। तो लॉन्च डेट के हिसाब से स्नैपड्रैगन 680 लेटेस्ट प्रोसेसर है। CPU एंड CPU क्लॉक स्पीड की बात करते हैं, दोनों प्रोसेसर के साथ में हमको डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर ARMv8 आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। स्नैपड्रैगन 680 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 4+4 की बिगलिटी लैब्रोज दी गई है। चार कोर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं परफॉर्मेंस वाले टास्क के लिए। यहाँ पर आपको मिलता है क्रायो 265 गोल्ड CPU। ये वाला जो CPU है ARM Cortex A73 पर बेस्ड होता है एंड क्लॉक स्पीड यहाँ पर आपको मिलती है 2.4 GHz की। एंड चार कोर्स मिलते हैं एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहाँ पर आपको मिलता है क्रायो 265 सिल्वर CPU जो कि बेस्ड होता है ARM Cortex A53 के ऊपर। क्लॉक स्पीड यहाँ पर आपको मिलती है 1.8 GHz की। स्नैपड्रैगन 678 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दो कोर्स मिलते हैं परफॉर्मेंस वाले टास्क के लिए, जहाँ पर आपको मिलता है क्रायो 460 गोल्ड CPU। ये वाला जो CPU है ARM Cortex A76 पर बेस्ड होता है एंड 2.2 GHz की यहाँ पर आपको क्लॉक स्पीड मिलती है। एंड एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए यहाँ पर आपको क्रायो 460 सिल्वर CPU दिया गया है जो कि बेस्ड होता है ARM Cortex A55 के ऊपर। क्लॉक स्पीड यहाँ पर आपको मिलती है 1.8 GHz की। अब CPU को अगर देखा जाए तो स्नैपड्रैगन 680 में भले ही से यहाँ पर आपको चार A73 वाले कोर्स मिल रहे हैं एंड क्लॉक स्पीड भी वहां पर आपको थोड़ी सी ज्यादा मिल रही है, लेकिन 678 की अगर बात करें तो दो जनरेशन नया CPU A76 वाला मिलता है, क्लॉक स्पीड भी डिसेंट यहां पर आपको मिल रही है। तो ओवरऑल CPU परफॉर्मेंस के मामले में मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन 678 जो है वो बेटर प्रोसेसर है। CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 680 बना हुआ है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर, स्नैपड्रैगन 678 बना है 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर। एंड ये चीज आपको पता है भाई कि फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी कम होगी प्रोसेसर उतना बेटर परफॉर्म करेगा, उतना ही कम हीट होगा एंड एनर्जी एफिशिएंसी आपको उतनी ही बेटर निकाल के देगा। यहां पर CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में स्नैपड्रैगन 680 बेटर प्रोसेसर है। CPU आर्किटेक्चर एंड कोर्स की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट के ऑक्टाकोर प्रोसेसर हैं, यानी कि दोनों प्रोसेसर में आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 8-8 कोर्स दिए गए हैं। GPU यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 680 के साथ में आपको मिलता है क्वालकॉम एड्रेनो 610 GPU। ये वाला जो GPU है 11 नैनोमीटर पर बना हुआ GPU है एंड क्लॉक कितने पर किया गया है 680 के साथ में ये चीज़ क्वालकॉम की तरफ से नहीं बताई गई है। वहीं पर स्नैपड्रैगन 678 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है क्वालकॉम एड्रेनो 612 GPU। ये वाला भी जो GPU है 11 नैनोमीटर पर बना हुआ GPU है एंड क्लॉक स्पीड यहाँ पर भी आपको नहीं बताई गई है, तकरीबन 800 MHz के आसपास क्लॉक स्पीड यहाँ पर आपको मिलती है। लेकिन GPU परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 678 के साथ में आपको GPU परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर मिलेगी। Adreno 610 जो आपको स्नैपड्रैगन 680 में मिलता है उसका जो GPU स्कोर है वो आता है तकरीबन 80.1 पॉइंट्स के आसपास, वहीं पर Qualcomm Adreno 612 का जो GPU स्कोर है वो आता है 82.2 पॉइंट्स के आसपास, तो तकरीबन 2 पॉइंट्स का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। GPU के मामले में भी मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन 678 जो है बेटर प्रोसेसर है। रैम सपोर्ट की बात करते हैं, दोनों ही प्रोसेसर के साथ में आपको डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है। बात करेंगे स्नैपड्रैगन 680 की तो यहाँ पर आपको 2133 MHz की रैम फ्रिक्वेंसी मिलती है एंड अप टू 16 GB की आपको रैम देखने के लिए मिल सकती है। वहीं पर स्नैपड्रैगन 678 की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कम रैम फ्रिक्वेंसी मिलती है, थोड़ा सा कम रैम साइज मिलता है, 1866 MHz की रैम फ्रिक्वेंसी है एंड 8 GB तक की आपको रैम देखने के लिए मिल सकती है। सो रैम सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 680 जो है वो बेटर प्रोसेसर है। स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। दोनों ही प्रोसेसर के साथ में आपको eMMC 5.1, UFS 2.1 एंड UFS 2.2 तीनों प्रकार की स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। सो स्टोरेज सपोर्ट के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं।
कैमरा सपोर्ट की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 680 के साथ में आपको 12 बिट का ट्रिपल ISP देखने के लिए मिलता है, यानी कि तीन कैमरास की स्ट्रीम को एक साथ प्रोसेस ये प्रोसेसर कर सकता है। यहाँ पर आपको 13+13+5 मेगापिक्सल्स का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल सकता है, या फिर 16+16 मेगापिक्सल्स का डुअल कैमरा सेटअप मिल सकता है, या फिर 64 मेगापिक्सल्स का यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर स्नैपड्रैगन 678 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल ISP दिया गया है, 16+16 मेगापिक्सल्स का डुअल कैमरा सेटअप, या फिर अप टू 25 मेगापिक्सल्स का अगर सिंगल कैमरा सेटअप यूज किया जाता है तो यहाँ पर आपको MFNR और ZSL दोनों का सपोर्ट मिलता है। अगर 48 मेगापिक्सल्स का सिंगल कैमरा यूज किया जाता है तो वहां पर आपको ZSL का सपोर्ट नहीं मिलता है, वहां पर केवल MFNR का सपोर्ट मिलता है। एंड मैक्सिमम कैमरा साइज यहाँ पर आपको मिलता है 192 मेगापिक्सल्स का। चूंकि स्नैपड्रैगन 680 में आपको लेटेस्ट ट्रिपल ISP देखने के लिए मिलता है एंड कैमरा सपोर्ट भी डिसेंट दिया गया है, तो मेरे हिसाब से कैमरा सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 680 जो है वो बेटर प्रोसेसर है। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 680 के साथ में आपको मैक्सिमम फुल HD प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। मैक्सिमम 1080 पिक्सल्स वाले फुल HD प्लस वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 FPS पर, 720 पिक्सल्स वाले HD प्लस वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS पर। लिमिटेड वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन यहाँ पर आपको मिलते हैं, जबकि स्नैपड्रैगन 678 के साथ में आपको मैक्सिमम 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, 2160 पिक्सल्स वाले 4K अल्ट्रा HD वीडियो 30 FPS पर, 1080 पिक्सल्स वाले फुल HD प्लस वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS पर, एंड 720 पिक्सल्स वाले HD प्लस वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 240 FPS पर। सो वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में भी स्नैपड्रैगन 678 बेटर प्रोसेसर है। डिस्प्ले सपोर्ट की बात करते हैं, दोनों ही प्रोसेसर के साथ में आपको मैक्सिमम ऑन डिवाइस फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, 20x20x1080 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। अब स्नैपड्रैगन 680 के साथ में तो मेंशन किया गया है कि 90Hz के स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन स्नैपड्रैगन 678 के साथ में नहीं बताया गया है कि रिफ्रेश रेट सपोर्ट यहां पर आपको क्या मिलता है। एंड 678 के साथ में जो फोन्स भी आते हैं उनमें भी किसी में भी अभी तक हायर रिफ्रेश रेट देखने के लिए नहीं मिला है, तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 680 जो है वो बेटर प्रोसेसर है। नेटवर्क मॉडेम की अगर बात करें, दोनों ही प्रोसेसर 4G प्रोसेसर हैं। स्नैपड्रैगन 680 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X11LTE मॉडेम दिया गया है, जो कि डाउनलोड स्पीड देता है 390 MBPS की। डाउनलिंक के लिए CAT13 मॉडेम दिया गया है। अपलोड की स्पीड यहाँ पर आपको मिलती है 150 MBPS की, एंड अपलिंक के लिए भी CAT13 मॉडेम मिलता है। स्नैपड्रैगन 678 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X12LTE मॉडेम दिया गया है, जो कि डाउनलोड स्पीड देता है 600 MBPS की। डाउनलिंक के लिए CAT12 मॉडेम दिया गया है, एंड अपलोड स्पीड मिलती है 150 MBPS की, एंड अपलिंक के लिए CAT13 मॉडेम दिया गया है। तो नेटवर्क मॉडेम के मामले में 678 बेटर है, क्योंकि यहां पर आपको बेटर डाउनलोड स्पीड मिलती है। एंटीटू स्कोर्स की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 680 का जो V8 का स्कोर आता है वो आता है 2,56 पॉइंट्स के आसपास, एंड स्नैपड्रैगन 678 का जो एंटीटू V8 का स्कोर आता है वो आता है 2,10,632 पॉइंट्स के आसपास। तो 10,000 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलता है। एंटीटू के हिसाब से भी स्नैपड्रैगन 678 बेटर प्रोसेसर है। लास्ट में बात करते हैं Geekbench स्कोर्स की। स्नैपड्रैगन 680 को सिंगल कोर में मिलते हैं 351 पॉइंट्स के आसपास, वहीं पर स्नैपड्रैगन 678 को सिंगल कोर में मिले हैं 442 पॉइंट्स के आसपास। तो तकरीबन 100 पॉइंट्स का डिफरेंस यहां पर आपको मिलता है। एंड मल्टी कोर की अगर बात करें तो 1,350 पॉइंट्स के आसपास स्कोर करता है स्नैपड्रैगन 680, एंड 678 की अगर बात करें तो 1,367 पॉइंट्स के आसपास आता है मल्टी कोर का स्कोर। तो Geekbench के हिसाब से 678 बेटर प्रोसेसर है। तो भाई ये था कंपैरिजन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर के साथ में। लेट मी टेल यू, नंबर्स पे ना जाओ, अपना दिमाग लगाओ। 680 नाम से ऐसा लग रहा था कि 678 का सक्सेसर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। सीपीयू के मामले में 678 बेटर है, जीपीयू के मामले में 678 बेटर है। यहां पर अगर बात करें हम नेटवर्क मॉडेम की तो वहां पर भी आपको बेटर मिलता है 678 प्रोसेसर। हाँ, फैब्रिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छी दी गई है 680 में, लेकिन केवल फैब्रिकेशन प्रोसेस से काम नहीं चलता भाई। 680 जो प्रोसेसर है थोड़े से पुराने सीपीयू और पुराने जीपीयू के साथ में आता है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग रहने वाला है। सो क्लियरली आज के इस वीडियो का, इस बैटल का जो अल्टीमेट विनर निकल के आता है वो आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर। तो भाई साहब कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताना कि क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं, क्या आपके हिसाब से भी 678 बेटर है, या आपकी राय मुझसे थोड़ी सी अलग है। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।